भाई नरेंद्र मोदी जी की भी इच्छा है कि किसानों को कम लागत लगे और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को आमदनी हो। किसी से ये छुपा हुआ नहीं है कि इफको का यूरिया लेने के लिए लोग मार करते हैं। इफको कंपनी के द्वारा एक किसान सभा का आयोजन किया गया, जहां एक तरफ किसानों को समय समय पर खाद की किल्लत से जूझना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सहकारिता विभाग के उपक्रम इफको के द्वारा तरल रूप में सभी खादों को बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के विनोदपुर पंचायत में भारत सरकार के पूर्व मंत्री निखिल कुमार चौधरी के दरवाजे पर एक किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इफको कंपनी के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। सर्वप्रथम पूर्व मंत्री निखिल कुमार चौधरी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर सभा का शुभारंभ किया गया। पदाधिकारियों के द्वारा सभी किसानों को किस तरह से इस नैनो यूरिया एवं नैनो तरल फर्टिलाइजरों को इस्तेमाल किया जाए एवं ज्यादा से ज्यादा पैदावार किया जाए, इसकी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में विनोदपुर पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि हारून रशीद, सरपंच अंसार आलम एवं कई किसान शामिल हुए। फिनो न्यूज बिहार के लिए सूरज कुमार की रिपोर्ट। भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और किसान भी हैं, किसान को क्या कहेंगे सर इफको कंपनी के प्रोडक्ट के विषय में? सर आज इफको कंपनी का जी विरोधपुर पंचायत के अंदर जी किसानों का के बीच जी इफको कंपनी जिन दवाओं को जिन चीजों का उत्पाद कर रही है जी उसकी जानकारी आज यहाँ कराई जा रही है। हमारी सरकार और हमारे सरकार के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की भी इच्छा है कि किसानों को कम लागत लगे और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को आमदनी हो। हम सब जानते हैं किसानों की हालत बहुत अच्छी रहती नहीं है, अब किसानों को थोड़ा सा उत्साह आया है, किसान समृद्ध हुआ है, आगे बढ़ रहे हैं। इफको इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहा है और किसी से ये छुपा हुआ नहीं है कि इफको का यूरिया लेने के लिए लोग मार करते हैं कि कहाँ है इफको का यूरिया। आज इफको का यूरिया जो दानेदार होता है उससे उस बोरी को हटाकर इफको ने नैनो यूरिया बनाया है और एक बोतल में जो 250 ग्राम का है, 500 ml का है और उसके साथ सगारिका एक है, सगारिका मल्टी विटामिन है ना, विटामिन है। तो इसको ला करके जो हम खर्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यूरिया को दे रहे हैं, जो नुकसान पहुंचा रहा है दानेदार, आज ये नैनो यूरिया किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। केवल उतना ही नहीं कि आज इफको ने सो नैनो डीएपी भी बना दिया है। नैनो डीएपी बनाया गया सर, लेकिन अभी मार्केट में लंच नहीं किया गया। हमने अभी अपने बात कहने के क्रम में हमने कहा कि हमारे खेत में डेमोंस्ट्रेशन किया गया था। उस डेमोंस्ट्रेशन का सर रिजल्ट क्या था सर? बहुत बढ़िया था। और तीसरा तो और अद्भुत हो गया, ये जो हम लोग लुडिस जो मकई में घास मारने के लिए देते हैं उसकी कीमत 1600 रुपया है ना, कितना है 1700 रुपये और कमाल ये जो 1550 रुपये में दोनों चीज़ आपको हो रहा है। तो आज हम इफको को धन्यवाद देते हैं और आप पत्रकार के नाते यहाँ इसको कवर करने के लिए आए हैं तो हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसी खबरों को जिससे किसानों को लाभ पहुँचे, लागत को घटाएं, उत्पादन अधिक लें, मूल्य अधिक लें। तो आत्मा के द्वारा हम लोग समूह का निर्माण कराते हैं, बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा हम लोग किसानों का ग्रुप बनवाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से। तो ये इफको का जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था इसमें हम लोग भी अपने विभाग की योजनाओं के बारे में बताए हैं जिससे किसान उसे लाभ ले पाएंगे। आप अपना परिचय देंगे सर? मैं उप परियोजना निदेशक आत्मा कटिहार। ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया सर? ये विनोदपुर में किया गया है और इसमें कई किसान इसमें आए यहाँ पर। मैं इफको एमसी के तरफ से जो आज इफको के माध्यम से जो आज यहाँ पे विनोदपुर में जो किसान सभा थी जी उसमें किसानों को हमने ज़्यादातर जो अभी इफको ये मक्का में जो पिल्लू की शिकायत आती है, कीड़े की शिकायत आती है,
उसमें हम अपनी जो दवा है इगाओ उसके बारे में बताया, एवं साथ में हमने एक नई खरपतवार नाशी जो आई है हमारी यूटोरी के नाम से, बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही गुणवत्ता युक्त दवाई है उसके बारे में बताया। साथ में जो हमारी सिद्धांत है सही दवा सही दाम के बारे में उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। और साथ में हम जो हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है किसान सुरक्षा बीमा योजना उसके बारे में किसानों को बताया कि आप जानकारी रखिए और समय पड़ने उसका लाभ भी उठा सकें। सर इफको कंपनी इफको डीएपी नैनो डीएपी करके बनाई है सर, वो किसान को 16 लीटर की टंकी में कितना देना है सर? वो आपको 50 से 100 ml देना है, बट अभी वो ट्रायल के रूप में किसानों को दिया जा रहा है, अभी वो मार्केट में कमर्शियली वो लॉन्च नहीं हुआ। एक्चुअली में सर आजकल कटिहार जिले में सर मक्का में काफ़ी कीड़ा लग जाता है, वो कीड़ा लगने के लिए आपके पास कौन सा वैसा दवाई है? ये दवाई इसका प्रयोग आप करवाएं जी। ये सर पर लीटर में कितने ग्राम ये सर? एक टैंक जो होती है पीठ वाली टंकी जो किसान उस पर स्प्रे करते हैं नैपसैक पे जी, उसमें 15 लीटर के टैंक में से 10 ग्राम मिलाते हुए स्प्रे करना है, एक एकड़ में 100 ग्राम। इसके साथ और भी कुछ लगेगा क्या सर? नहीं, अगर सिर्फ फॉल आर्मी वर्म की शिकायत है तो इसी से हो। ये कार्यक्रम इफको के द्वारा आयोजित किया गया है विनोदपुर में, इसका मुख्य उद्देश्य है इफको द्वारा जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित इफको नैनो यूरिया का पिछले साल से जो है किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोगों का इस कार्यक्रम के जरिए मुख्य उद्देश्य ये है लोगों को इसकी सही तकनीकी और इसकी किस तरह व्यवहार किया जाए इसको सही तरीका पता चले, ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके और परंपरागत यूरिया के जगह इसका बेहतर इस्तेमाल करके अपने फसल का पैदावार बढ़ाएं। सर ये पर लीटर कितने ml लगेगा सर? ये 1 लीटर में 4 ml और एक टंकी में 60 ml इसका उपयोग किया जाता है, एक एकड़ में एक बोतल 500 ml के बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सर प्राइस क्या पड़ेगा? इसका प्राइस 225 रुपये, परंपरागत यूरिया से लगभग ये जो है 40 रुपये